हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो शिक्षक भर्ती के लिए या फिर एमपी के कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो आइए करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगला पार्ट है अपना। इससे पहले मैं और भी प्रैक्टिस के लिए वीडियो डाल चुका हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो उनको देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ मैंने सॉल्यूशन विथ रीजन के साथ आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताया है। और आज अपन अगला भाग सॉल्व करते हैं, अगला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज ट्रेटर्स। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अब पीपल जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब अपन पीपल को गिन सकते हैं। ओके, तो पीपल काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब यूज की जाती है वो क्या की जाती है, सिंगुलर या प्लूरल? तो काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल पीपल क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसे यूज की जाती है, प्लूरल। ओके, तो इच क्या है, सिंगुलर है, इसकी जगह प्लूरल वर्ब क्या आएगी, आर। द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ट्रेटर्स। ठीक है, अगला है, द रिच इच लेजी। ओके, द रिच इज लेजी, अब सही लग रहा है लेकिन नहीं। द रिच का मतलब क्या हुआ, द रिच का मतलब हुआ अमीर लोग, अमीर व्यक्ति, जो बहुत अमीर लोग। अब द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, जैसे द इंडिया का मतलब क्या हुआ, इंडिया के लोग, द अमेरिका मतलब अमेरिकन के लोग, द रिच मतलब अमीर लोग। तो अमीर लोग सिंगुलर में यूज होगा, प्लूरल में, प्लूरल में, तो इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। ओके, तो इसकी जगह आर, द रिच आर लेजी, अमीर व्यक्ति कैसे होते हैं, लेजी। ओके, ठीक है, तो अगला करते हैं, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वर वेरी लो। ओके, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस बर वेरी लो। अब ये बताइए आप, सक्सेस क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, बाज। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, सक्सेस को आप गिन सकते हो क्या? मैं कहूँ मेरे पास 5 सक्सेस हैं, या आपके पास 2 सक्सेस हैं, आपके पास 10 सक्सेस हैं, कहाँ हैं सक्सेस, दिखाइए, नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर के साथ बाच। ओके, अगला है, सम कॉफी आर अवेलेबल हेयर। अब आप देखिए, कॉफी को आप काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर, तो आर या इज, इज, सम कॉपी इज अवेलेबल हेयर। ओके, तो आप जो भी नए देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और मैंने और भी प्रैक्टिस के 12-13 वीडियो डाले हुए हैं, उनको देखें और समझें, मैंने एक एक चीज़ समझाई हुई है उसमें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी इससे अच्छे, और अभी तो मैं बेसिक वाले ही डाल रहा हूँ, इससे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ।
तो ये आपके किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत कारगर साबित होंगे। ओके, आइए अगला करते हैं। 1/3 ऑफ द मिल्क आर येट टू बी सोल्ड, ठीक है ना। तो देखिए, 1/3 ऑफ द मिल्क, मिल्क का 1/3 हिस्सा, मिल्क काउंट या अनकाउंटेबल, सोचिए जरा, सोचिए सोचिए। मिल्क है, मिल्क को गिन सकते हैं क्या? कभी आप बाजार गए और बोले हमें 10 मिल्क दे दो, 10 दूध दे दो, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला ना। तो मिल्क अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सी बताई थी मैंने, सिंगुलर या प्लूरल? अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर। ओके, मिल्क इज, 1/3 ऑफ द मिल्क इज एट टू बी सोल्ड। ओके, अगला है। नॉट मच ऑफ द मनी हैव बीन स्पेंट, सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, क्या हो सकता है इसका सही? नॉट मच ऑफ द मनी हैव बीन सेंट, मनी, ठीक है। मनी क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? ए अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मनी को आप काउंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि मनी को काउंट क्यों नहीं सकते, पैसों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। रुपी अलग चीज़ है, मनी अलग चीज़ है। मनी मतलब जमीन जायदाद गिन सकते हैं, आर्ट नहीं गिन सकते ना। तो मनी हैव बीन स्पेंट, तो हैव बीन है, हैज बीन, हैज बीन स्पेंट। ओके, मच मिल्क हैव बीन सोल्ड, देखिए वही बात आ गई। मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिल्क। आर या एज, हैव या हैज, हैज बीन सोल्ड। ओके, अगला है। ए लिटिल ऑफ द घी हैव बीन सोल्ड, आ लिटिल ऑफ द घी हैव बीन सोल्ड, ठीक है। अब आप जरा ये सोचिए, ये जो घी है वो क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? घी को 8 घी लाए हो कभी बाजार से? कभी अपनी रोटी पर 4 घी लगाए हो क्या? नहीं ना। तो अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने क्या बताया हैज, बड़ा सिंपल होती है इंग्लिश। अगला है, नो पेंस पास अवेलेबल। ओके, नाउन सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। पेन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटर पेन को बन कर सकते हैं, ये एक पेन है, ये दो पेन है। तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब, बाज या वर्ब? वर्ब। ओके, नो पेंस वर अवेलेबल। अगला है, नो वर्क हैव बीन डन, काम। वर्क मीन्स क्या होता है, काम। अब आप मुझे ये बताइए, नो वर्क हैव बीन डन, काम क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? कभी काम गिने हैं कि हमने आज 8 काम किए, आज मैं सुबह से उठा, मैंने 3 काम कर लिए? काम काउंटेबल नाउन नहीं है, काम अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो हैव या हैज, हैज बीन। ओके, नो वर्क हैज बीन डन। अगला है, ऑल इज रेडी, सही लग रहा है, सही है बिल्कुल। ऑल मीन्स सभी, सभी में एक या दो या ज्यादा, एक से ज्यादा, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। ऑल इज के ऑल आर रेडी, सब तैयार हैं। अगला है, हाँ एक चीज याद रखना, एक इनको बोल इस टाइप, ऐसे आई विश मनीषा बाज भाई भाई, इस प्रकार के जो टेंस वाक होते हैं, इन वाक को वो बोलते हैं अपन, किस प्रकार के वाक, मतलब इनको बोलते हैं अपन एक तरीके से, जैसे
सपोजिशनल वाक्य, ओके क्या बोलते हैं, सपोज, सपोज करते हैं अपने उसको। और हमेशा याद रखना जहाँ भी आई बिस आएगा, सपोजिशनल वाक्य में सेंटेंस आई बिस इफ एज दो या फिर इफ ओनली, सपोज, सपोज भी आ सकता है, सपोज आई बिस वी बिस ही बिस इस टाइप के हो इधर, ठीक है। तो आई बिस के बाद जो वर्ब आएगी, ठीक है, जो वर्ब आएगी वो हमेशा बर आएगी। इसको रटना है इसको अपन को, ये समझ लो, समझना नहीं है जो मैंने बताया, बस उसको याद रख लो कि आई बिस या फिर वो सपोज एस यू डबल पी ओ एस ई, आई बिस हो, सपोज हो, इफ हो, ठीक है, तो वर्ब क्या लगाओगे, बर। आई बिस मनीषा वर्मा ई बाई, ठीक है। अगला, रमन टॉक टू मी, देखो अब मैं बताया था अभी, आई बिस एच इफ एच दो, रमन टॉक्स टू मी, देखो एच इफ सॉरी एच इफ ही, मैंने क्या बताया था, क्या लगाओगे एल्पिंग वर्ब, बाज या बर, बर, इनको सपोजिशनल वाक्य बोलते हैं। रमन टॉक टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ कंपनी, रमन ने मुझसे ऐसे बात की जैसे वह कंपनी का जनरल मैनेजर हो, ओके। चलिए अगला है, अगला है क्या, ये रवि है, अरे भाई रवि एंड कवि, रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, रवि और कवि ने एग्जामिनेशन में अच्छा काम किया। अब आप ये सोचिए, ये एंड है, ठीक है, एंड से जुड़ा, जुड़े हुए कौन, रवि भी और कवि भी, एंड के इस साइड और एंड के इस साइड, दोनों नाउन एक सी हैं क्या, एक सी हैं, ठीक है। जब एंड के एक, दोनों साइड दोनों नाउन एक सी हैं तो हमेशा वर्ब, दोनों नाउन एक सी हो, याद रखना दोनों नाउन एक सी होने चाहिए, तो हमेशा जो वर्ब होती है वो प्लूलर आएगी, तो एच की जगह है क्या आएगी, प्लूरल। और अगर ए सिंगुलर है प्लूरल है तो वो कंडीशन है, मैं अगले वीडियो में और कंडीशन है इस टाइप इसकी और डाल दूँगा, तीन चार कंडीशन है, ज़्यादा नहीं है, परेशान हो जाओ उस पर नहीं, तीन होंगी मुश्किल से इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना एंड के पहले और एंड के बाद नाउन सेम है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, आंखें बंद करके लगा देना, एंड, एंड के पहले ए बॉय सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन ए गर्ल सिंगुलर नाउन, तो वर्ब, ठीक है, मैन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, समझ रहे हैं आप, नहीं सॉरी, तो मैन वर्ब क्या होगी, प्लूरल, प्लूरल, एंड के पहले एंड के बाद प्लूरल, एंड के पहले के बाद सेम सेम तो प्लूरल, सेम सेम प्लूरल। अब लव्स, आपको प्लूरल नाइन, प्री एंड इनडेफिनेट टेंस में एस या ई एस लगाते हैं, वो वाला एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमारे को इसमें से एस हटाना पड़ेगा, ऐसे हटा दोगे, ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर, ओके ओके। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।